अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। दोस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्योर सब्सटेंस एंड हमने कुछ प्रॉपर्टी टेबल्स को इस्तेमाल करना सीखा था। कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, मैं ये सवाल है जिसके अंदर हमारे पास मास गिवन है एक सिस्टम का, दैट इज 20 kg, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज 6 m³, गैस जो है 4 m³ है, टेम्परेचर 80°C है और इट्स अ वाटर। हमें ऐसी क्वालिटी निकालनी है, इसकी एंथैल्पी निकालनी है। बाय यूजिंग द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स एंड द एग्जांपल जो हमने क्लास में डिस्कस की थी पिछली क्लास में, ये प्रॉब्लम आप लोग खुद अटैम्प्ट कीजिए। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन अटैम्प्टिंग दिस प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, राइट? सो आई विल नॉट बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन द क्लास। सो मूविंग फ्रॉम दिस मूविंग फॉरवर्ड, हम एक सवाल देखते हैं। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सुपर हीटेड वेपर्स और कंप्रेस लिक्विड स्टेट जो कि हमारे पास दो एक्सट्रीम स्टेट्स हैं, उनको हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एग्जांपल फ्रॉम द बुक। यहाँ पे सवाल ये है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट अ स्टेट ऑफ पी विच इज 0.5 MPa एंड एन्थैल्पी इज 2890 kJ/kg। हमारे पास एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर निकालना है हमें और उसका प्रेशर जो है वो 0.5 MPa है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारे पास ये स्टेट है कहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल नंबर A5 में। तो टेबल नंबर A5 में जब आप जाते हैं तो हमें टेबल नंबर A5 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर टेबल है। A5 में जब आप 0.5 MPa पर देखते हैं तो आपको एच की वैल्यू नजर आती है। अगर वो एच की वैल्यू जो गिवन वैल्यू है आपकी एच की वैल्यू, अगर आपकी ये वाली एच की वैल्यू एच जी से भी बड़ी है, अगर आपने सैचुरेटेड वाटर वेपर वाला टेबल देखा, मतलब जो ए फाइव है वहाँ पे आपने चेक किया कि जो 0.5 MPa पर एच जी की वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू है ये वाली एच की वैल्यू, और ऐसा है, राइट? बिकॉज आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास 0.5 MPa पर जो एच जी की वैल्यू आ रही है, दैट्स द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड इस सैचुरेटेड लाइन के ऊपर, जो लास्ट पॉइंट है वो एच जी होता है। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली स्टेट जो है वो समवेयर इन द सुपर हीटेड रीजन है। तो आप जो है, जैसे आपने ये मालूम हुआ कि एच जी की वैल्यू जो है वो 27848 है, जबकि जो आपके पास एन्थैल्पी गिवन है वो 2890 है, तो हमारे पास विच मीन्स की ये गिरावट पड़ी है। तो हम टेबल नंबर A6 में जाएंगे। टेबल नंबर A6 जो है वो आपके पास सुपर हीटेड का टेबल है। नाउ A6 में आपके टेबल नंबर A6 में आप गए, वहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एन्थैल्पी, एंट्रोपी, सो ऑन। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है पी इक्वल्स टू 0.5 MPa। ओके, तो इस टेबल के अंदर आप ये देखेंगे कि आपकी जो एच की वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, राइट? एच की वैल्यू है 2890, राइट? 2890 वुड बी समवेयर अराउंड हियर, तो आपके पास 2890 या इसके दरमियान में कहीं होगी, राइट? 2890 समवेयर, राइट? 2890 यहाँ पे कहीं होगी वो वैल्यू। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे आपने इसको इन बिटवीन 200 और 250 इसके दरमियान ये वैल्यू फॉल कर रही है। तो अब आपके पास इसके दरमियान की वैल्यू, सिंस टेबल जो है वो सारा डिटेल टेबलेट नहीं हुआ हुआ, टेबल में वैल्यूज मिसिंग है, तो इसके दरमियान की कोई वैल्यू है, ठीक है? और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मिसिंग है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कैसे निकाला आपने? लीनियर इंटरपोलेशन से। लीनियर इंटरपोलेशन एक टेक्निक होती है जो आपके पास, आप यहाँ पर एवरेज भी ले सकते हैं, बट एवरेज एक जो है रिलेटिवली मतलब इनएक्यूरेट तरीका है निकालने का। लीनियर इंटरप्रिटेशन जो है हम डिस्कस करेंगे लेटर इन द क्लास। तो वो बेसिकली है क्या, वो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आपके पास अगर दो डेटा पॉइंट्स हो, और आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हो यहाँ पर और तीन डेटा पॉइंट्स हो आपके पास यहाँ पर, मिसाल तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक वैल्यू ये मिसाल यूँ कर लेते हैं, लेट्स से मुझे निकालना है 200°C और 250°C के दरमियान की वैल्यू, और हमारे पास जो है वो 2855.8 और 296.0 वैल्यूज़ हैं। आपको एच के दरमियान की वैल्यू गिवन है, अब आपको इसका कॉरस्पॉन्डिंग टी निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं, इसमें से एक अननोन है, पांच नोन है। पांच नोन कैसे? एच की इनिशियल वैल्यू गिवन है 200 कॉरस्पॉन्डिंग है, 250 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन है, और इसके दरमियान की एच वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है? तो ये टेक्निक है लीनियर इंटरपोलेशन। मैं इसका कुछ वीडियोज़ वगैरह शेयर करता हूँ लीनियर इंटरपोलेशन की, इंशाल्लाह दैट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट।
यहाँ से आपने टेम्परेचर निकाल लिया। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस लिक्विड। वो खुद कह रहा है कि ये कंप्रेस लिक्विड है एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मेगा पास्कल। 5 मेगा पास्कल और 80 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस लिक्विड है। हमें ये बात कैसे मालूम हुई? हमें ये बात पता है कि पानी, वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग, मतलब अगर आपके पास 5 मेगा पास्कल प्रेशर है दैट्स क्वाइट हाई, और टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, विच मीन्स कि डेफिनेटली ये बॉयल नहीं हुआ, ये यकीन इस रीजन में हो जहाँ पे कंप्रेस लिक्विड रीजन है। तो खैर एनीवेज, ये चीज़ एक तो उसने मेंशन कर दी है, दूसरा ये कि हम ये बात निकाल भी सकते हैं। आप सिंपली जाएं A4 टेबल में, A4 टेबल में आप जाके देखें कि उसका, या आप A5 में जाएं या A4 में जाएं, A4 में जाके देखें आप कि उसका सैचुरेटेड पी सेट कितना है, सैचुरेशन प्रेशर कितना है। डेफिनेटली वो बहुत कम होगा, तो यहाँ पे मेगा 5 मेगा पास्कल विच मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कंप्रेस लिक्विड में उल्टा कर लेते हैं, अगर मैं A5 में जाता हूँ, A5 में 5 मेगा पास्कल का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा, और यहाँ पे काफ़ी ये कम है, यहाँ नज़र भी आ रहा है जैसे 263 थे, राइट। तो यहाँ पे निकालना है क्या हमें, यहाँ पे निकालना है हमें फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड स्टेट हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, और हमें हमें कंपेयर करना है कि टेबल नंबर A7 जो कि कंप्रेस लिक्विड वाटर है और सैचुरेटेड लिक्विड डाटा से कितना एरर आ रहा है। आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक बार डिस्कस की थी कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट डाटा है कंप्रेस लिक्विड वाटर का, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड टेबल में जो F की वैल्यू है वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एट 80 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेशन प्रेशर इज 47.416 किलो पास्कल। इतना ये प्रेशर चाहिए आपको जब आप 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग कर सकते हैं, राइट। एंड सिंस 5 मेगा पास्कल इज वे हायर देन पी सेट, तो इट्स कंप्रेस लिक्विड। ये बात हम अभी मैंने डिस्कस कर ली है, राइट। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको इतना प्रेशर चाहिए, या फिर इतने प्रेशर 5 मेगा पास्कल पर यू हैव टू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर क्योंकि बॉइलिंग कर सके। अब अगर हम टेबल नंबर A7 में देखते हैं, A7 में आपके पास, आप टेबल में A7 में गए, आपने प्रेशर लॉक किया 5 मेगा पास्कल एंड यू गो टू द टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है यू की, वो कितनी है 333.82 किलो जूस पर केजी। ये आपके पास यू की वैल्यू आ रही है, ये आपने मेंशन कर दी, दैट्स द पार्ट वन फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड टेबल। पार्ट बी जो है वो आपके पास टेबल नंबर A4, टेबल नंबर A4 में आप गए, आपने टेम्परेचर 80 डिग्री लॉक किया और इस पर आपने क्या निकाल लिया, UF की वैल्यू निकाल ली। मैंने एक बार डिस्कस की थी, आपको याद हो कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंप्रेस लिक्विड डाटा नहीं है, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड डाटा जो A4 A5 है उनको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंप्रेस लिक्विड, बट उसके लिए हम F की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो HFO, चाहे UFO, चाहे SFO या VFO। अब आप गौर कर सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पर जब आप टेबल नंबर A4 में गए, तो आपके पास UF की वैल्यू कितनी है, 334.97। तो अब अगर ये आई है फ्रॉम टेबल नंबर A4 और ये आई है टेबल नंबर A7, तो अब हम अगर इसका एरर कैलकुलेट करें, तो हम एरर कैसे करते हैं कैलकुलेट, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय द इनिशियल वैल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.34%, दैट इज लेस देन 1%। तो यहाँ पे एक बात साबित हो रही है कि कंप्रेस लिक्विड का डाटा अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम टेबल नंबर A4 और टेबल नंबर A5 का जो लिक्विड डाटा है, F की वैल्यूज हैं, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर दैट स्टेट इज इन द कंप्रेस लिक्विड स्टेट। आई वो भी चीज़ क्लियर होगी, अगर आपको क्लियर नहीं तो प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन। आगे चलते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिनेरियोस। हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, हमें एक टेबल फिल करना है। इस टेबल के अंदर आपके पास बेसिकली क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स गिवन है, राइट। कुछ डाटा मिसिंग है और कुछ हमें फिल करना है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है एंड यू कितना है एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। तो पहले जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास टेम्परेचर मिसिंग है, हमारे पास प्रेशर गिवन है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकालनी है, हमें क्वालिटी गिवन है 0.6, और हमें फेज डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये बात नज़र आ रही है यहाँ से कि अगर ये एक्स गिवन है, दैट डेफिनेटली इट इज़ अ वेपर मिक्सचर, लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन, मिडल की पॉइंट, ठीक है। इसमें 60% जो है वो वेपर बन चुके हैं और 40% अभी लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ ये बड़ा आसान सा है, आपके पास प्रेशर गिवन है, आप किस में जाएंगे, टेबल नंबर A5 में जाएंगे, A5 के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे टी सेट, बिकॉज ये जो 0.6 है इट्स इन द ये इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो सिंपली टी सेट होता है।
तो आपने आप गए सिंपली A5 के अंदर बिकॉज प्रेशर गिवन है. अगर टेम्परेचर गिवन होता था हम A4 में जाते. तो जो भी 200 किलो पास्कल का कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो 120.21 यहाँ गिवन है, वो आपने लिख लिया. दैट्स द ये आपने यहाँ फिल कर लिया. नाउ अब हमें यू निकालना है. अब यू जो है बेसिकली कैसे निकलेगा, बिकॉज यू जो है इट्स इन द मिक्सचर रीजन, यहाँ पर है वो कहीं. तो आपको ये पता है कि हमारे पास यू का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यू इक्वल्स टू यू एफ प्लस एक्स यू एफ जी. अब हम टेबल नंबर A5 में गए, 200 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे हमारे पास यू एफ की वैल्यू क्या है. तो अब यहाँ से हम जब यहाँ से यू गॉट दिस वन राइट, दिस इज 504.5, दिस इज यू एफ कॉरस्पॉन्डिंग टू 200 किलो पास्कल 504.5. अच्छा अब x की वैल्यू गिवन है आपके पास और यू एफ जी की वैल्यू भी सामने ही लिखी हुई है 2024. यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ गई. तो आपके पास u भी आ गया, t भी आ गया. अब फेज डिस्क्रिप्शन सिंपल है, इट्स अ मिक्सचर रीजन राइट. तो ये एक मिक्सचर रीजन है, यहाँ पे इसको मुश्किल नहीं है. मिक्सचर रीजन आप यहाँ लिखेंगे मिक्सचर रीजन है राइट. मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने सबसे पहले ये चेक किया कि हमारे पास क्वालिटी गिवन है, तो हमने ये बात अंदाजा लगा ली कि इट्स अ मिक्सचर रीजन. अब जब क्वालिटी गिवन है तो जो पी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टी सेट देख लो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जब यू एफ और यू जी निकालेंगे या यू एफ जी निकालेंगे तो इसकी वजह से आप यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्योंकि मिक्सचर की एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्ट नहीं निकलती, यू हैव टू यूज दिस क्वालिटी एज वेल टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर रीजन. मूविंग फॉरवर्ड हम नंबर टू देखते हैं दिस वन. इसके अंदर हमारे पास मिसिंग क्या है, हमारे पास प्रेशर मिसिंग है, हमारे पास क्वालिटी मिसिंग है और हमारे पास फेज डिस्क्रिप्शन मिसिंग है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो अब यहाँ पे हम कैसे चेक करें. तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, हम देखेंगे हमारे पास 125 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम देखेंगे A4 में. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि यू एफ और यू जी की वैल्यूज क्या है, बिकॉज यू गिवन है आपके पास. आपने जब A4 में आप गए, आपने 125 पर गए, आपने यू एफ चेक किया, दैट इज 524.83 और यू जी की वैल्यू आई 2534.3. इसका मतलब ये कि जो यू गिवन है वो इन यू एफ की और यू जी की वैल्यू के दरमियान कहीं लाया गया है. इसका मतलब ये है कि दिस इज अ मिक्सचर रीजन. अगेन यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. तो अगेन अगर हमें इस p कॉरस्पॉन्डिंग p निकालना है तो बहुत आसान है. हम सिंपली क्या करेंगे, हम टेबल नंबर A4 में जाएंगे, जो टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो p सेट है वो निकाल लेंगे, दैट इज 232.23 डिग्री किलो पास्कल राइट. ऐसा हमें कैसे मालूम हुआ, हमारे पास जो u की वैल्यू है जब उसको हमने कंपेयर किया 125 के कॉरस्पॉन्डिंग यू एफ की वैल्यू के साथ और यू जी की वैल्यू के साथ, तो यू की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 2534.3 एंड इट इज ग्रेटर देन 524.83. तो ये 20 के अंदर लाई करती है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनी गई, स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रही है. तो हेंस आपने 125 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पी सेट है वो निकाल लिया, तो आपके पास पी की वैल्यू आ गई. नाउ अब आपको निकालना है क्वालिटी. फेज डिस्क्रिप्शन क्या है, अगेन इट्स अ मिक्सचर रीजन, सिंपली आप लिख सकते हैं मिक्सचर रीजन. क्वालिटी निकालने के लिए आपके पास एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है कि आपके पास यू गिवन है, ये आप देख सकते हैं, यह रिलेशन जो गिवन है आपके पास, इसमें एक्स निकालना है. नाउ यू हैव यू वैल्यू राइट. तो यहाँ पे यू गिवन है विच इज 1600, यू एफ आपने यहाँ से निकाल लिया 524.83 एंड यू एफ जी जो है उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है 2009.5 किलो जूल्स पर केजी. यहाँ से आपके पास 0.535 x की वैल्यू आ गई. तो यहाँ पे अगेन आपने x भी लिखा और p की वैल्यू भी पुट कर दी. मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, हमने पहले क्या किया, हमारे पास कुछ कोई भी चीज़ गिवन नहीं थी सिवाय टेम्परेचर और u से. हमने A4 में गए और चेक किया कि भाई u की वैल्यू जो है वो कहाँ फॉल करती है. 125 के कॉरस्पॉन्डिंग u की वैल्यू जो है वो यू एफ और यू जी के दरमियान में ही है. तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि भाई ये वैल्यू जो है, ये जो स्टेट है केस नंबर b जो है वो मिक्सचर रीजन है. नाउ फिर आपने वहाँ से पास पी सेट निकाल लिया एंड आफ्टरवर्ड्स आप जब वो मिक्सचर रीजन में, तो आपके पास एक्स की वैल्यू यकीनन कोई ना कोई होगी, तो आपके पास ये जो रिलेशन है इसको आपने इस्तेमाल करके यहाँ से एक्स निकाल लिया. और फेज डिस्क्रिप्शन क्या है, इट्स अ मिक्सचर रीजन. मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि सी क्या है. अब सी के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास 1000 किलो पास्कल प्रेशर है और यू की वैल्यू दी हुई है 2950. तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे टेबल नंबर A5 में. A5 के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो U की वैल्यूज़ हैं वो किधर हैं. देखो A और B और C में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि B में आप A4 में गए थे और C में आप जाएंगे A5 में. तो आपने क्या किया, आपने पहले चेक किया कि भाई जो
वह 1000 किलो पास्कल की वैल्यू है ए फाइव में, ये लिखी हुई। इसका इसमें यू एफ और यू जी की वैल्यू कितनी है और जो गिवेन है वो कितनी है, जो गिवेन है वो 2950 है विच इज ग्रेटर देन यू जी वैल्यू। यहाँ देख सकते हैं दिस लास्ट वैल्यू 1000, हम स्ट्रेट गए, यू फाउंड आउट दैट द यू जी वैल्यू इज 2582.8 जो कि 2950 से छोटी है। मतलब कि जो स्टेट है इस ये सी जो स्टेट है दिस इज इन द सुपर हीटेड रीजन राइट। नाउ देन जैसे आपको ये मालूम होगा सुपर हीटेड है, आप टेबल नंबर ए फाइव छोड़ के चलेंगे टेबल नंबर ए सिक्स में। आप 1 मेगापास्कल दैट इज 1000 किलो पास्कल, आपने चेक किया कि भाई यू की वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, तो यू की वैल्यू जो है वो आप चेक करेंगे क्लोजली 2950 कहाँ है, 2950 ये हियर यू गो 2950 इज अराउंड एट 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2957.9, ये वैल्यू जो है आपके पास टेम्परेचर की ये 350 और 400 के दरमियान में, बिकॉज जो यू की वैल्यू है 2950 वो 2875.7 और 2957.9 के दरमियान में फॉल कर रही है, तो जो टेम्परेचर है वो यकीनन 350 से बड़ा होगा और 400 से छोटा होगा। तो यू की वैल्यू जो है 2875.7 और 2957.9 के दरमियान है, ये देख सकते हैं आप 295। तो अगेन आपने यहाँ लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई की, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू चेक द लीनियर इंटरपोलेशन हाउ टू अप्लाई इट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ये कितना मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2957 वैल्यू नोन है, इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू 400, 350 इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू 2875 और यू की जो वैल्यू हमें ये गिवन है 2950, तो हमें इसके दरमियान के टेम्परेचर निकालना है। तो वी कैन यूज लीनियर इंटरपोलेशन टू सॉल्व इट। प्लीज़ गो थ्रू द इंटरनेट एंड लर्न हाउ टू यूज लीनियर इंटरपोलेशन। आई विल शेयर सम यूजफुल लिंक्स टू अंडरस्टैंड लीनियर इंटरपोलेशन। अगर आप लीनियर इंटरपोलेशन में कोई मसला हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू बाय लीनियर इंटरपोलेशन। तो अगेन यहाँ पे हमने पहले चेक किया कि भाई स्टेट क्या है, और जब आपने मालूम होगा सुपर हीटेड है तो सुपर हीटेड फेज डिस्क्रिप्शन सुपर हीटेड होगी इसकी, और इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगी बिकॉज सुपर हीटेड में एक्स की वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्वालिटी को कोई मेंशन नहीं करते, हम ना जीरो लिखते ना वन लिखते, इट्स सिंपली नॉट डिफाइंड और यू विल आप लिख सकते हैं कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड पार्ट डी जो है, पार्ट डी में आपके पास टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है, ठीक है, दैट्स प्रीटी सिंपल। तो आपने ये देखा कि 75 डिग्री सेल्सियस आप ए फाइव में गए, ए फाइव में आपने देखा कि 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके पास प्रेशर पर उसका टेम्परेचर कितना होता है, जैसे 75 या आप देख सकते हैं 75 पर प्रेशर कितना है। तो आपको ये मालूम हुआ कि आपके पास टेम्परेचर जो है 75 पर जो पी सेट है वो 38 होता है, और यहाँ पर पी सेट पी जो है वो काफ़ी बड़ा है, विच मीन्स कि दिस इज इन द कंप्रेस लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, या तो हम लेट्स गो टू द ए फाइव टेबल फर्स्ट, राइट। हम ए फाइव में गए, ए फाइव में हमने चेक किया 500 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 151.83। तो 500 किलो पास्कल का किसी का प्रेशर है तो उसको 151.8 टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग के लिए, तो ये टेम्परेचर जो गिवन है दैट इज क्वाइट लो। तो ये अभी किस स्टेट में, ये कंप्रेस लिक्विड स्टेट में, राइट। कंप्रेस लिक्विड स्टेट का मतलब है कि फेज डिस्क्रिप्शन आ गई कंप्रेस लिक्विड स्टेट। X की वैल्यू अगेन इट विल नॉट बी अप्लाइड बिकॉज द कंप्रेस लिक्विड में और सुपर हीटेड में X की वैल्यू अप्लाई नहीं होती। अब हमें निकालना है U की वैल्यू। अगेन हम सिंपली जाएंगे कि इसमें टेबल नंबर A4 में हम कंप्रेस लिक्विड टेबल इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एरर बहुत मिनिमल होता है, राइट। तो हम 75 डिग्री सेल्सियस पर गए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यू एफ की वैल्यू है वो ले लिया आपने, दिस इज 313.99, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द यू वैल्यू एट 75 डिग्री सेल्सियस एट दिस प्रेशर, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट यू। पहले आपने स्टेट डिफाइन की, देन जब स्टेट डिफाइन हुई तो आप फेज डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और देन आफ्टरवर्ड एक्स वैल्यू लिखनी है नहीं लिखनी, अगर सुपर हीटेड है तो नहीं आएगी, अगर कंप्रेस लिक्विड है तो नहीं आएगी, और अगर मिक्सर रीजन है फिर वहाँ पर एक्स आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे पार्ट नंबर आई गेस पार्ट नंबर 1 या 2 में हमने पार्ट नंबर ए बी में किया था, राइट। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्लियरली एक्स गिवन है। अब एक्स अगर जीरो है इसका मतलब ये है कि इट्स अ सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट वो लोकेशन है जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, और आपके पास पी कितना गिवन है 850 किलो पास्कल। तो
प्रेटी सिंपल, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिंपली ए टेबल नंबर ए फाइव में गए, ए फिफ्टी को लॉक किया आपने, ए फिफ्टी के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को चेक कर लिया, कितना है 172.94, और एग्जैक्टली जो यू एफ की वैल्यू है 731.00 किलो जूस पर के जी, वही आपके पास यू एफ की वैल्यू होगी, बिकॉज यूज, और यहाँ फेस डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सैचुरेटेड लिक्विड, बिकॉज एक्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, जीरो, अगर एक्स बराबर होता है वन के तो ये होता है सैचुरेटेड वेपर, राइट। सो दिस इज हाउ यू फिल द टेबल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस स्टेट्स हैं उनको हमने फिल किया। मैं अब लेक्चर स्लाइड से अंदर कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि मैंने डिस्कस क्लास में नहीं की, लेक्चर स्लाइड में प्लीज़ वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग द सेम मेथड, प्लीज़ इसको कॉपी मत कीजिए, सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, प्लीज़ आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, एंड बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टेबल्स आप आगे नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी, मैं इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो, इसमें हम आइडियल गैस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस एक और बात, इसका जो आखिरी सवाल है, प्लीज़ ट्राई दिस एट योर होम, इसको खुद ट्राई कीजिएगा, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा एंड उन स्लाइड्स के तमाम सवाल मौजूद होंगे जो कि मैंने लेक्चर में सॉल्व किए हैं या नहीं किए, अगर वो क्लास में डिस्कस नहीं किए थे तो दोज आर मैन टू बी सॉल्व बाई यू, राइट। तो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स, एंड जो भी एग्जाम्पल्स इस बुक में सॉल्व हुई हैं उनको ट्राई कीजिए, इस बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉब्लम उनको ट्राई कीजिए, एंड इस तरह के टेबल्स बने हुए बुक के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में, उनको अगर आप फिल करेंगे तो यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज टेबल। अगर आपको कोई मसला हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच।